हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम बीके शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। वेलकम टू आइकॉन इंग्लिश क्लासेस, क्लास सेवंथ, लेसन सेकंड, पार्ट सेकंड। ओके, मृदु क्रैप्ड अप टू द विंडो। लाली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, अक्वाइर्डली होल्डिंग हर बॉइलिंग एंड ब्रॉस्टिंग, हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज विद कंसंट्रेशन। मृदु क्रैप्ड अप टू द विंडो। मृदु खिड़की पर आई। लाली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, कुछ दूरी पर लाली बैठी हुई थी। अक्वाइर्डली होल्डिंग हर बॉयलिन, और बड़े अजीब तरीके से अपने बॉयलिन को पकड़े हुए थी, एंड वॉस्ट्रिंग, और उसके वॉस्ट्रिंग को बजाने वाले यंत्र को, हर एल्बोस जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज विथ कंसंट्रेशन। हर एल्बोस, एल्बोज यानी उसकी कोहनी, जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज, और उसकी आंखें देख रही थी विथ कंसंट्रेशन, बड़े ध्यान से। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विथ मोस्ट ऑफ इज बैक टू द विंडो, उसकी जो उस विंडो के पास उसकी जो पीठ थी, वॉज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, वह अपने म्यूजिक मास्टर को देख रही थी। ही हैड ए मोस्टली वॉल्ड हैड विथ ए फ्रिंज ऑफ ऑइल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड ओल्ड फैशन टफ। ही हैड ए मोस्टली वॉल्ड हैड, जिसका गंजा सिर था, विथ फ्रिंज ऑफ ऑइल्ड ब्लैक हेयर, जिसमें कुछ बाल ही थे, फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, जो उसके कानों के चारों ओर फैले हुए थे, एंड एन ओल्ड फैशन टफ, एक ओल्ड फैशन का वो जूड़ा बनाए हुए था। ए गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। ए गोल्ड चैन, एक सोने की चैन, ग्लीम्ड चमक रही थी, अराउंड हिज लेदरी नेक, उसकी चमड़े की गर्दन के चारों ओर। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक डायमंड रिंग ग्लिटर चमक रही थी ऑन हिज हैंड पर। एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन, जैसे ये चमक रही थी, द स्टेम ऑफ द बॉयलिन, जो बॉयलिन का जो निचला वाला भाग था। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। ए लार्ज फुट, एक बड़ा पैर स्टक आउट, बाहर निकल रहा था, फ्रॉम द बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड, सुनहरे बॉर्डर से लगी हुई वेस्टी एज, वेस्टी एज धोती का किनारा। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ द स्क्रूइंग बिग टो, और वह बीटिंग टाइम, समय को बीटिंग कर रहा था ऑन द फ्लोर, समय फ्लोर पर, विथ द स्क्रूइंग बिग टो, एक अपने बिग टो से, अपने अंगूठे से। ही प्लेस्ड ए फ्यू नोट्स, ही प्लेड, उसने बजाए, फ्यू नोट्स यानी कुछ धुने बजाई। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लाली स्टम्बल्ड यानी कि अनुसरण करना उसके पीछे पीछे वायलिन से, विच लुकड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि पूरी तरीके से हेल्पलेस एंड अनहैप्पी लग रही थी, इन हर हैंड्स, उसके हाथों में। अनहैप्पी इन हर हैंड्स, उसके हाथों में, ये उसके मास्टर हैं, ये मास्टर का सिर गंजा है, ये उसकी चोटी है, ये हाथ में वायलिन है, ये बॉयलिन का इधर वाला भाग है, ये बॉयलिन बजाने का है, ये पैर निकला हुआ है, धोती पहने हुए हैं, ये लड़की बैठी हुई है। अच्छा, अनहैप्पी इन हर हैंड्स विथ ए, व्हाट ए डिफरेंस, कितने बड़े अंतर की बात है। द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन टू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। जो म्यूजिक मास्टर थे, उसके जो नोट्स थे, ऐसे लग रहे थे जैसे पूरी तरीके से सटीक हैं, इनविजिबल ट्रैक्स पर, मेलोडी पे चल रहे हैं। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग, एज रवि सेड। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ट्रेन, जैसे ट्रेन के पहिए हों, फिटिंग स्मूथली, जो अच्छी तरह स्मूथली फिट है, इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग, और तेज, बहुत तेज की आवाज़ कर रहे हैं, एज रवि सेड, जैसा रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट दैट हुज वीरिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलिंस स्टेम, और मृदु ने बहुत ही घूर करके देखा उस विशाल
वीरिंग हैंड पर मूविंग इफोर्टलेसली बड़े प्रयास रही द बॉयलिंग स्टेम, उसके बॉयलिंग के स्टेम पर मैकिंग लवली म्यूजिक, बहुत प्यारा म्यूजिक बनाते हुए। स्वैक देयर वॉज ए लाली ड्रेलिंग अगेन, स्वैक एक चिड़िया की आवाज़, देयर वॉज ए लाली ड्रेलिंग अगेन, लाली अब पुनः ड्रेलिंग हो रही है। द म्यूजिक मास्टर इज वियरिंग ए रिंग, जो वियरिंग का मतलब म्यूजिक मास्टर की जो हाथ में जो उंगली पे में जो अंगूठी पहने हुए वो, तो जो लाली है वो ड्रेलिंग मतलब पटरी से दोबारा उतर रही है, यानी कि उसकी धुन मास्टर से मैच नहीं खा रही है। अम्मा कैम ए वेल फ्रॉम द गेट, कैम ए वेल फ्रॉम द गेट, गेट से एक आवाज आई, अम्मा अम्मा ओ रवि सेंड दैट बैगर अवे, रवि इस भिखारी को दूर भगा दो, क्राइड इज मदर, उसकी माँ चीखी, फ्रॉम द बैक बरामदा, बरामदे के पिछवाड़े से, वेयर शी वाज चैटिंग, जहां पे चैटिंग कर रही थी विद तापी, तापी के साथ, ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द फास्ट वीक, पिछले सप्ताह से वो रेगुलर यहाँ आ रहा है, एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, और अब समय आ गया कि उसे अब दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती यानी दादी ने स्पष्ट किया तापी को। मिर्दु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मिर्दु और मीना दोनों रवि के साथ बाहर आए। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बैगर भिखारी पहले से ही गार्डन में था, मैकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वह थोड़ा आराम कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, उसने फैला दिया था अपना ऊपर का कपड़ा नीम के पेड़ के नीचे, एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक, और उसके ट्रंक के सहारे थोड़ा झुका हुआ था। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, और वह तैयारी कर रहा था हल्की सी नींद लेने की। व्हाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, उसी दौरान मैं इंतजार कर रहा था कुछ भिक्षा के लिए, आर्म्स टू अपीयर, गो अवे सैड रवि स्टर्नली, रवि ने कहा सख्त होकर के, चले जाओ, माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, मेरी दादी के ने कहा है कि अब तुम कोई भीख मांगने के लिए दूसरा घर ढूंढो। स्नूज यानी शॉर्ट स्लीप, थोड़ी देर के लिए सोना, और कैप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर एंड मैनेज टू स्टे लिव, यानी जिंदा रहना केवल। द बैगर ओपन्ड हिज आइज, भिखारी ने अपनी आंखों को खोला वेरी वाइड एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, और एक एक बच्चे की तरफ देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की लेडीज, ही सैड एट लास्ट, रश्मि ने कहा इन ए वॉइस आवाज में, चॉक्ड विथ फीलिंग, और इस फीलिंग से वो चॉक्ड हो गई, आर वेरी काइंड सोल, बहुत अच्छी आत्मा है, आई हैव कैप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन दियर जेनरसिटी फॉर ए होल वीक, आई हैव कैप्ट माई बॉडी एंड सोल, मेरी बॉडी और सोल को मैं रखे हुए हूँ साथ में जेनरसिटी फॉर ए होल वीक, पूरे सप्ताह के लिए। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मेरे को ये यकीन नहीं है कि वो मुझे यहाँ से टर्न अवे कर देंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को ऊंचा किया, अम्मा अम्मा ओ सैड हिज वेल माइट बी, सैड हिज वेल माइट बी, सैड बड़ी उदासी भरी उसकी जो वेल है ठीक है हो सकती है, बट इट सर्टनली वाजंट फीवर, लेकिन यह ज़्यादा फीवर नहीं है, कमज़ोर नहीं है। इट बिगेन इन ए डीप, ये गहरी होती चली गई, स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन, बहुत ही तेज मजबूत होते हुए यहाँ गई, इन इस विदर्ड वैली, अपने विदर्ड वैली में यानी मुरझाया हुआ पेट, एंड कैम बूमिंग आउट ऑफ इस माउथ, जो उसके मुंह से निकल के आया, विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, कुछ बचे हुए टीथ, स्टैंड ब्राउन जो भूरे हो गए थे, विथ बीटल चुइंग यानी पान चबाने की वजह से, फेड अप एंड टायर्ड एंड अनहैप्पी, रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि ने कहा कि वहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है, कॉल्ड रुक्मणी ने कहा रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रुक्मणी ने कहा रवि इससे कह दो कि किचन में कुछ भी नहीं है, एंड ही इज नॉट कम अगेन, और उससे कहो दोबारा नहीं आए, टेल हिम दैट, कह दो ये भी, ही साउंडेड फेड अप, शी साउंडेड फेड अप यानी कि उसने इस तरीके से बोला, शी साउंडेड आवाज की इस तरीके से बोल करके कहा, शी साउंडेड यानी आवाज परेशान होकर के उसने इस तरीके से बोला। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि को ये रिपीट नहीं करना पड़ा बेगर को, भिखारी को, व्हाट इज मदर सैड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर,
जो कुछ मदर ने कहा वो आसानी से उन सब ने सुन लिया, उस भिखारी ने भी सुन लिया। दे आर अंडर द नीम ट्री, वहाँ पेड़ के, नीम के पेड़ के नीचे। द बेगर सेट अप एंड साइड, वह भिखारी बैठ गया और आहें भरने लगा। आई'ल गो ही सैड वियरली, उसने कहा मैं चला जाऊँगा मैं चला जाऊँगा, उसने थकावट से भरे हुए कहा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, केवल मुझे यहाँ आराम करने दो इस पेड़ के नीचे। द सन इज सो हॉट, सूरज इतना गर्म है। द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, और जो इसका तार है डामर है वो रोड पर पिघल गया है। माई फीट आर ऑलरेडी, मेरे जो पैर हैं वो पहले से ही ब्लिस्टर्ड फफोले हो रहे हैं। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक, ही स्ट्रेस्ड आउट, उसने फैलाए अपने पैरों को टू दिखाने के लिए, टू शो लार्ज, लार्ज यानी विशाल पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स, जो फफोले हो रहे थे ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, उसके पैरों के तलवे में। आई सपोज, मैं मानता हूँ ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मैं मानता हूँ कि उसके पास पैसा नहीं है चप्पल्स खरीदने के लिए। मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, मृदु ने बोला मीना को धीमे से, रवि हैव यू गॉट एनी ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, रवि क्या हमारे घर में कोई पुरानी चप्पल है। समवेयर ब्लिस्टर एंड बॉयल्स बबल्स ऑन द स्किन फ्रॉम बर्न्स और रविंग, को रिगड़ने से या फिर कोई जलने करने से जो त्वचा पे हो जाते हैं ना फुलफुले, उनको बोलते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, सैड रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट, मेरे तो बहुत छोटे हैं इसके आएंगे भी नहीं। आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं इसे दे चुका होता। एंड हिज फिट वर लार्ज देन मृदु एंड मीनास, और इसके जो पैर हैं वो मृदु और मीना से ही बड़े हैं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटिंग हिज धोती, बेगर अपना जो ऊपर का जो कपड़ा है उसको शेकिंग कर रहा था, हिला रहा था, टाइटिंग हिज धोती, अपनी धोती को कस रहा था। एंड ही रेज हिज आइज, उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाया एंड लुक्ड फियरफुली, डर से कहा, एट द रोड पर ग्लीमिंग चमकते हुए इन द आफ्टरनून हीट में। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, उसे कुछ आवश्यकता है उसके पैरों में। मीना सेड, मीना ने कहा, हर बिग आइज फिलिंग, उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं भर रही हैं, इट इज़ नॉट फेयर, यह ठीक नहीं है। शह, सेड रवि, रवि ने कहा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लूबरिंग यानी कि ब्लूबरिंग करना, यानी कि आप अस्पष्ट बड़बड़ाना। इट इज़ नॉट फेयर, यह ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर, यह ठीक नहीं है। इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, कोई मदद नहीं हो रही है। इन टू मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रेड दैट रोड, दो मिनट में उसके जो पैर हैं वो उस रोड पर फ्राइंग हो रहे होंगे, यानी कि चल रहे होंगे। व्हाट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल, जो कुछ उसे आवश्यकता है वो एक जोड़ी चप्पल है। सो वेयर डू वी गेट देम, इसलिए हम इन्हें कहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। कम लेट सर्च द हाउस, आओ उस घर को तलाश करते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर में पुश किया। जस्ट एज शी स्टेप इन टू द बरामदा, जैसे ही उसने बरामदा में अपने कदम रखे, मृदु साई फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, तो मृदु की आंखें उन ऑड लुकिंग यानी कि अजीब दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी। शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड, उसने देखा कि व्हेन शी अराइव्ड, जब वे आई थी। रवि शी विस्पर्ड टू हिम, वह उनसे बोला, हुज आर दोस, ये चप्पल किसकी हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लेंस एट द शेवी लुकिंग, रवि मुड़ा और देखा उन शेवी लुकिंग गंदी दिखने वाली बट स्टडी ओल्ड स्लीपर, लेकिन उन पुरानी चप्पलों पे देखा। ही वीम्ड एंड नोडेड, वह उसने अपनी गर्दन को हिलाया। ही वीम्ड एंड नोडेड, वीम्ड यानी खुशी से गर्दन हिलाना। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये सही साइज की हैं। ही सैड पिकिंग देम अप, उनको उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलो हिम, उनको उसका फॉलो किया। नर्वसली बैक इन टू द गार्डन, वापस गार्डन में हताशा से। हेयर सेट रवि, रवि ने कहा टू द बैगर से, भिखारी से, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, ड्रॉपिंग उतारते हुए चप्पलों को इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, यानी कि पटकते हुए। हेयर सेट रवि टू द बैगर, बैगर से, भिखारी से, रवि ने कहा, ये लो, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन के सामने उस चप्पलों को पटकते हुए। वियर दीस, इनको पहन लो, एंड डोंट कम बैक, और वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, भिखारी ने उनकी तरफ देखा। हरीडली फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर,
और जल्दी से अपना टावल अपने कंधे पे डाला। पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, अपने पैर उन चप्पलों में डाले और चला गया, मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए। इन ए मिनट, एक मिनट में ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वह उस गली से चला गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, और वह म्यूजिक मास्टर उस घर से बाहर आया। एंड टुक एन अनप्रिसिटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम, द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, घर से आया, एंड टुक एन अनप्रिसिटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम, द म्यूजिक मास्टर द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर आया, एंड टुक एन अनप्रिसिटिव, यानी कि प्रदर्शित करना, अस्वीकृति प्रदर्शित करना, अनप्रिसिटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम पर, सिटिंग क्वाइटली, जो शांति से बैठे हुए थे, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, प्लेइंग मार्बल्स, जो कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरामदा, बरामदा में फिर म्यूजिक मास्टर ने अपनी चप्पलों को ढूंढा, जिन चप्पलों को वे पहले से ही जो इस भिखारी को दे चुके थे। वेयर ही हैड पुट देम, जहां पर उन्होंने उनको रखा था। लाली ही कॉल्ड, वह जोर से चिल्लाया। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षण के बाद में, शी हरिड अप टू हिम, वह उसके पास आई जल्दी से। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, क्या आपने मेरी चप्पल्स को देखा है? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है मैंने इनको यहीं रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड, देखा उन्होंने। लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरामदा, को सर्च किया। ही स्क्रूड अराउंड, उसने चार ओर देखा। लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग की तरफ देखा। एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, गमलों के पास देखा। टू लुक बिटवीन देम, ब्रांड न्यू, नई थी बिल्कुल, देवर। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं उनको खरीदने के लिए माउंट रोड पैदल पैदल गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वे कहता रहा। दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, अरे उनकी जो कीमत है ना, तुम्हारे पूरे महीने की फीस है। डू यू नो, तुम जानती हो। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, जल्दी लाली अंदर गई अपनी माँ को बताने के लिए। रुक्मणी अपीयर्ड, रुक्मणी आई, लुकिंग हरास, परेशान दिखी। विथ पाती फॉलोइंग हर, पाती यानी दादी, तमिल में कहते हैं पाती को दादी, भी उसके पीछे पीछे आई। वेयर कुड दे बी, कहाँ हो सकती है, कहाँ गई होगी चप्पल। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टॉलन देम, ये बिल्कुल वास्तव में अपसेट करने वाला आइडिया था, जो शायद किसने उनको चुराया होगा। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, इतने ज़्यादा जो वेंडर्स होते हैं, सामान बेचने वाले, वो आते हैं। वरीड पाती, पाती ने चिंतित होते कहा। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, रुक्मणी ने रवि को देखा। मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, मृदु और मीना जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, वे कहने लगी। एंड देन सींग, और फिर सींग देवर, देखने लगी। देवर क्यूरियसली क्वाइट, वे पूरी तरह शांत थे। वेंट ऑन मोर स्लोली, धीरे धीरे गए। सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द बरामदा, क्या तुमने किसी को बरामदे में देखा है क्या? ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फाउंड बिटवीन हर आईब्रोज, एक बहुत ही वी के आकार की लाइन उसके आंखों के वहों के बीच में बन गई। एनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन द प्लेस ऑफ हर यूजली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ के ऊपर एक लाइन और बन गई। रुक्मणी वाज एंग्री, रुक्मणी नाराज हो गई। थॉट मृदु विथ ए शीवर, विथ ए शीवर, थॉट सोचा मृदु विथ ए शीवर, शीवर यानी कांपना। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फोट, शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ। शी वुड नॉट बी सो अपसेट, वे इतनी अपसेट नहीं होती, इफ शी न्यू, अगर वे जान गई होती अबाउट द पुअर बेगर के बारे में, विथ सोर्स उसके छालों के बारे में, ऑन हिज फिट, शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, उसने कोशिश की अपने बारे में बताने की। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेते हुए शी क्राइड, वे चिल्लाई। रुक्मणी देयर वाज ए बेगर हेयर, यहाँ भिखारी आया, पुअर थिंग, बेचारा। ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फिट, उसके कितने फफोले हो रहे थे पैरों में। सो सैड रुक्मणी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, इस अब रुक्मणी ने मुड़ते हुए रवि की तरफ, तो ये बात है, यू गैव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर।
तुमने संगीत के मास्टर की चप्पलों को उस भिखारी को दे दिया जो यहाँ आता है। आप समझी मैं रवि, आप ये सब तेरा किया धरा है। चिल्ड्रन दीज डे, ओ बच्चो आजकल तो तुम ग्राउंड पाती दादी गुर्राती है। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्न हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयर रिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। अम्मा आपने नहीं कहा था मुझसे कर्ण के बारे में कि उसने हर चीज़ दे दी थी, यहाँ तक कि अपनी कानों की रिंग भी दे दिए थे उसने। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, वह कितना दयालु था, कितना उदार था। सीली स्नैप रुक्मणी, मूर्ख रुक्मणी ने डांटते हुए कहा, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स। कर्ण ने दूसरों की चीजें उधार नहीं दी थी, वो दूसरों की चीजें दान में नहीं दी थी। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने केवल अपनी चीजें दी थी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द वेगस फिट, लेकिन मेरी चप्पल है ना वो भिखारी के पैरों में नहीं आ रही थी। रवि रस्ट व्रेस्टली ऑन, रवि तेजी से दौड़ के गया। एंड अम्मा, और अम्मा इफ दे डिड फिट, यदि वे फिट नहीं थी तो वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो आपने आप अम्मा इफ दे डिड फिट, यदि वे फिट नहीं होती तो वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो आप माइंड नहीं करती अगर मेरी खुद की दे देता मैं तो। बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड द बेगर्स फिट, मेरी चप्पल फिट नहीं आ रही थी। रवि रस्ट ब्रेसली ऑन, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट, अगर वो फिट आ जाती और वो वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या तुम माइंड नहीं करती। रवि सैड, रुक्मणी ने कहा वेरी एंग्री नाउ, गुस्सा होते हुए, गो इनसाइड दिस मिनट, अभी अंदर जाओ। शी हरिड इंडोर्स, वे जल्दी अंदर चले गई। एंड ब्राउट आउट गोपू मामाज हार्ड वॉन न्यू चप्पल्स, और वे जल्दी से जाकर के अंदर जाकर के लेके आई गोपू मामा के हार्डली बॉन, मतलब फटे पुराने, सॉरी शी हरिड इंडोर्स, वह जल्दी से अंदर घर के अंदर गई। ब्राउट आउट लेके आई गोपू मामा के हार्डली बॉन, हार्डली बॉन का मतलब होता है मुश्किल से पहनी हुई, यानी कि बिल्कुल नई। हार्डली बॉन बी ए वोर बॉन, यानी मुश्किल से पहनी हुई न्यू चप्पल्स लेके आई। दीज शुड फिट यू, सर सर ये आपको ये फिट रहेगी, प्लीज पुट दीज ऑन, इनको पहन लो सर, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है सर, माई सन हैज बीन वेरी नोटी, आजकल मेरे बच्चे बहुत शैतान हो गए सर, आपकी चप्पलों को उस भिखारी को दे दिया सर, मैं माफी चाहती हूँ सर। द म्यूजिक मास्टर साइज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक उठी, क्यों, क्योंकि उसकी चप्पलें तो टूटी फूटी थी और उसकी पुरानी चप्पलों के बदले उसको नई चप्पलें मिल रही थी, इसलिए म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक उठी। ही पुट देम ऑन, उन्होंने उनको पहन लिया, ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और उसने ऐसा कोशिश की कि वो अपने आप को नहीं दिखाए हैप्पी, यानी कि अपने आप को वो ऐसा दिखा रहा था कि वो हैप्पी नहीं है। अच्छा ठीक है तुमने दिया तो मैं काम चला लूंगा। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, चलो इनसे काम चल जाएगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, आजकल क्या ये बच्चे हैं ना बड़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते, व्हाट टू डू, अब करें भी तो क्या करें। ए हनुमान इनकारनेट, ये तो हनुमान का अवतार है, बंदर हैं, ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलोस, केवल राम ही बचा सकते हैं ऐसे शैतान बच्चों से। रुक्मणी आइज फ्लैश, रुक्मणी की आंखें चमक उठी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, उसे पसंद नहीं था कि रवि को कोई मंकी कहे, इवन ए होली मंकी, यहाँ तक कि एक होली मंकी पवित्र मंकी कहे वो भी पसंद नहीं था। शी स्टूड स्टफ एंड स्ट्रेट बाई द फ्रंट डोर, बैर दरवाजे के पास जाके खड़ी हो गई सीधी। इट वॉज क्लियर है शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो चाहती थी कि ये संगीत वाला मास्टर यहाँ से जल्दी से निकले, यहाँ से जल्दी से जाए। क्लेटर्ड ऑफ यानी गॉन ऑफ नॉइजली, विद द नॉइज ऑफ क्लेटर ऑफ चप्पल, चप्पल की आवाज के साथ आवाज। When she, he had clattered off in his new chappals, जब उसने अपने चप्पलों की आवाज करते हुए she said, उसने कहा मृदु कम इन, अंदर आओ, एंड हैव सम टिफिन, कुछ टिफिन नाश्ता कर लो। मृदु कम इन, अंदर आओ, एंड हैव सम टिफिन, कुछ नाश्ता कर लो। ऑनेस्टली, बड़ी ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों के बारे में बच्चे तुम कैसा सोचते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हारे गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, काम करने के लिए चप्पल नहीं पहनते।
एज शी वॉक्ड टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, जैसे ही वो चली किचन की तरफ मृदु और मीना ने, शी सडनली बिगेन टू लाफ, वह अचानक हंसने लगी। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी, लेकिन वह इतनी जल्दी में थी, टू थ्रो ऑफ हिज शूज, अपने पैर शूज को निकाल दिया एंड सॉक्स को निकाल दिया एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स में आ गई। एज सून एज ही कम्स होम, जैसे ही वह घर आई, व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से, तुम्हारे मामा क्या कह रहे हैं दिस इवनिंग, इस शाम को। व्हेन आई टेल हिम, जब मैंने उनसे कहा, आई गेव हिज चप्पल्स, मैंने उसकी चप्पल्स को दे दिया, टू द म्यूजिक मास्टर, उस म्यूजिक मास्टर को। वसंत सौर्य फ्रॉम मुर्दू इन मद्रास, गोरखा टर्न्स अप, कॉम्प्रिहेंशन चेकअप, ये देखिए कॉम्प्रिहेंशन चेकअप देखिए। द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, म्यूजिक मास्टर प्यारा संगीत बजा रहा था। रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया, इस टेक्स्ट में से उस सेंटेंस को निकाल के बताइए जो अभिव्यक्त करे उस विचार को कि वास्तव में म्यूजिक मास्टर अच्छे संगीत बजा रहा था। ओके, द सेंटेंस इज द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्स टू फ्लोट अप, संगीत के मास्टर के जो ध्वनि हैं वो ऐसी तैरती हुई प्रतीत हुई, सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, और वो इनविजिबल ट्रैक्स पर अच्छी तरह फिट हो रही थी। हैड द बेगर कम टू रुकमणी'स हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या भिखारी रुकमणी के घर पे पहली बार आया, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने उत्तर में रीजन बताइए। नो द बेगर हैड नॉट कम टू रुकमणी'स हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं वह पहली बार नहीं आया, ही हैड बिन कमिंग देयर एवरी डे फॉर द फास्ट वन वीक, वह पिछले एक सप्ताह से लगातार आ रहा था। दिस वॉज टोल्ड बाई द ग्रांड मदर टू तापी, यह ग्रांड मदर ने तापी को बताया। मोर ओवर रुकमणी हरसेल्फ रिवील्ड दिस फैक्ट वैन शी आस्क रवि टू सेंड द वेगर अवे, और इससे ज़्यादा रुकमणी ने खुद इस बात को बताया कि शी आस्क रवि, उसने रवि से कहा टू सेंड द वेगर अवे, कि वो भिखारी को भेज दे। द वेगर ऑल्सो एडमिटेड दिस वैन ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट He had kept his body and soul together on the generosity of ladies of Rukmani's house for a whole week. खुद भिखारी ने इस बात को स्वीकार किया कि एक सप्ताह से वह इस घर की महिलाओं की दया पर जिंदा है। Okay, a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Rukmani's mood? Rukmani के चेहरे पर ललाट पर V-shaped line बन गई, यह आपको क्या बताता है? रुकमणी वॉज ए सॉफ्ट एंड प्लीजेंट लेडी, रुकमणी बहुत ही प्यारी और प्लीजेंट लेडी थी। बट शी लुक्ड हैरास्ड, एक बड़ी परेशान दिख रही थी बिकॉज ऑफ द मिसिंग चप्पल ऑफ म्यूजिक मास्टर, क्योंकि म्यूजिक मास्टर की चप्पलें खो गई थी। ए शार्प वी शेप लाइनिंग फॉर्मिंग बिटवीन हर आईब्रोज में सजेस्ट दैट शी वॉज एनॉयड विद द चिल्ड्रन, ये बताता है कि वे अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा नाराज थी, वे अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा नाराज थी। ओके गाइस, नेक्स्ट, वर्किंग विद द टेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस को आप पूरा कीजिए। रवि कंपेयर्स लालिस प्लेइंग द वॉयलिन टू, रवि ने तुलना करता है लाली के बजाने के वॉयलिन को टू, किससे तुलना करता है? मास्टर से। ए ट्रेन दैट इज डिरेलिंग रिपीटेडली एंड गोइंग ऑफ द ट्रेन, वो एक ट्रेन से तुलना करता है, दैट इज डिरेलिंग, जो पटरी से उतर गई हो और गोइंग ऑफ द ट्रैक और रास्ते से दूर भटक रही हो। अगला है ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ द चिलीज, उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की मिर्चियों के ट्रे के नीचे। महेंद्रन तो टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसके ऊपर कुछ मिर्चियां गिर गई थी। द टीचर प्लेड ए फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लाली, टीचर ने बजाया संगीत का कुछ आवाज और लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम, जो उसके पीछे गिर गई, ऑन हर वॉयलिन विथाउट मच सक्सेस, मतलब उसका अनुसरण, स्टम्बल बिहाइंड हिम, उसका अनुसरण किया, उसके पीछे पीछे चली, उसके जैसे पहले उसको सुनती फिर बजाती, विथाउट मच सक्सेस, बिना ज़्यादा सफलता के नहीं। द वेगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड हेल्प्ड हिम, उन्होंने उसकी मदद की थी, हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर बाई फीडिंग हिम फॉर ए फुल वीक, पूरे सप्ताह तक उसको भोजन कराकर। आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क लाली इफ
शी हैड बीन हिज चप्पल्स शी हैड सीन हिज चप्पल्स शी हैड सीन उसने देखा है उसकी चप्पल्स को. डेस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो. डेस्क्राइब वर्णन कीजिए द म्यूजिक टीचर को एज सीन फ्रॉम द विंडो, जो विंडो से देखा गया वहां से वर्णन कीजिए. द म्यूजिक टीचर सैट बिफोर लाली विद द हिज बैक टू द विंडो. म्यूजिक टीचर लाली के सामने बैठा हुआ था, उसकी पीठ के पीछे खिड़की थी. मृदु कुड सी हिज बॉनी अपीयरेंस फ्रॉम द विंडो. मृदु उसके पतले शरीर को देख सकती थी खिड़की से. He had a bald head with a fringe of oiled hair around her forehead and ears. उसका जो गंजे सिर पे बाल थे and old fashioned tuft और एक चोटी थी. He wore a gold chain around the neck. उसकी गर्दन में सोने की चेन थी. The hand which was moving up on the violin had a diamond ring. और जिस हाथ से वो violin बजा रहा था उस पर diamond ring थी. He was beating time on the floor with the scrawny wick toe. मतलब लंबे पैर के अंगूठे को ताल मिलाने के लिए वो बार बार फर्श पर मार रहा था. ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रीनिंग बिग टो से ताल मिलाने के लिए, मतलब जमीन पे मार रहा था. नेक्स्ट, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज नो मनी टू बाय चैपल्स. व्हाट मेक्स मृदु, मृदु को कौन सी चीज इस कंक्लूड पे निकालती है, इस निष्कर्ष पे निकालती है दैट द बेगर हैज नो मनी टू बाय चैपल्स, कि भिखारी के पास कोई पैसा नहीं था चप्पल खरीदने के लिए. तो ऐसा कौन सी चीज है जो निष्कर्ण है. व्हाट डज द सजेस्ट टू शो हर कंसर्न. व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड्स दैट द बेगर हैज नो मनी टू चप्पल. द ओल्ड बेगर वॉज बेयर फुटेड. जो ओल्ड भिखारी था वो नंगे पैर था. ही शोड द चिल्ड्रन हिज फीट. उसने बच्चों को अपने पैर दिखाए. His soles were full of peeling blisters from the walking barefoot on the road. रोड पे नंगे पैर चलने से फफूले हो गए थे. मृदु could thus make out that beggar didn't have the money to buy a pair of chappals. तो मृदु ने ये निष्कर्ष निकाला, शायद उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, what does the she suggest to show her concern? What does she suggest to show her concern? अपनी चिंता दिखाते हुए वह क्या सुझाव देती है. वह क्या सुझाव देती है. अपनी चिंता दिखाते हुए वह क्या सुझाव देती है. तो वे ये सुझाव देती है कि ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड गो फॉर बाय समथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? What do you think Rukmani really wanted to ask? Rukmani, in fact, wanted to ask the children if they have hidden the chappals somewhere. क्या उन्होंने छिपाई है कि चप्पल्स. टू ट्रबल द म्यूजिक मास्टर, म्यूजिक मास्टर को परेशान करने के लिए कहीं छिपाई हो तो बता दो. दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन. उसने अपना प्रश्न क्यों बदला. शी सॉ दैट चिल्ड्रन वर स्ट्रेंजली क्वाइट. उसने देखा कि बच्चे बहुत अजीब तरीके से शांत हैं. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड. उसने क्या सोचा कि क्या हो गया है. शी कुड कंक्लूड दैट. उसने निष्कर्ष निकाला कि द चप्पल्स वुड नो लॉन्गर बी रिकवर्ड इफ समवन हैड स्टोलन देम. अगर किसी ने चोरी कर ली है तो वो उनको दोबारा पा नहीं सकता. ऑन गेटिंग गोपू मामाज चप्पल्स द म्यूजिक मास्टर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी. वाई. गोपू मामा की चप्पल मिलने पर संगीत मास्टर ने ज़्यादा खुश नहीं होने की कोशिश क्यों की. द म्यूजिक मास्टर वॉज क्वाइट हैप्पी. बहुत हैप्पी था टू हैव बीन ऑफर्ड द ऑलमोस्ट न्यू पेयर ऑफ चप्पल्स इन प्लेस ऑफ हिज ओल्ड वर्न आउट. अपना पुरानी चप्पलों के बदले नई चप्पल मिलकर बहुत खुश था. हाउएवर ही डिडंट वांट टू शो हिज ग्रीट. लेकिन वह अपने लालच को दिखाना नहीं चाहता था. ऑल्दो हिज आई लाइट अप. लेकिन उसकी आंखें चमक उठी. ही ट्राइड नॉट टू लुक प्लीज. वह अपने आप को खुश नहीं दिखाना चाहता था. ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल. चप्पलों का एक गिफ्ट पाकर के द बेगर वैनिश्ड इन ए मिनट. एक मिनट में गायब हो गया. वाई वॉज इन सच ए हरी टू लीव. और वह जल्दी में क्यों था. द बेगर न्यू दैट. भिखारी ने जाना कि द चिल्ड्रन हैड गिवन
him the chappals on their own without the permission of the eldest of the house. The beggar knew that, जान गया कि the children had given the chappals there on their own without the permission of elders of the house, बिना घर के बड़ों की permission के. He was afraid that the elders might take them back if any of them found out. उसे डर था कि कोई घर के बड़े उससे वापस ले लेंगे. That is why he wore them quickly and vanished. इसलिए उन्होंने उनको जल्दी से पहना और चलता बना. Okay guys, walking towards the kitchen with Murdai and Meena, Rukmani began to laugh. हंसने लगी. What made her laugh? क्यों हंसने लगी? Rukmani thought of Gopu Mama के बारे में सोचा. She had given chappals to the music master को, उसने म्यूजिक मास्टर को चप्पलें दे दी. Gopu Mama always happened to be in hurry, threw off his shoes and socks and wear the chappals after coming back from work. So what would he say when he would tell him that she had given his chappals to the music master? This idea made her laugh. इस आइडिया से वो जोर जोर से हंसने लगी. Okay guys, अब हम आपकी इसकी पोएम को बनाएंगे. Thank you. Next video में.